AK-47 बनाने वाली क्लाशनकोव अब आसमान में उतारेगी सबसे घातक सुसाइड ड्रोन। पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली AK-47 को बनाने वाली कंपनी क्लाशनकोव अब आसमान में भी बेहद खास करने वाली है। अपनी घातक असॉल्ट राइफल्स के बाद अब यह कंपनी सुसाइड ड्रोन की हकीकत को जमीन पर उतार रही है। इसकी पहली झलक अबू धाबी में लगे डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाई दी। आपको बता दें कि अबू धाबी में हर 2 वर्ष में दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियां अपने हथियारों को पेश करती हैं। इस बार यहां आने वाले क्लाशनकोव के ड्रोन की धूम भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कंपनी का कहना है कि यह युद्ध के मायने बदलने में सहायक साबित होगा और जिस तरह से AK-47 को दुनिया के सभी देशों में तरजीह मिली है वैसे ही इसको भी कामयाबी मिलेगी। आपको यहां पर ये भी बता दें कि AK-47 दुनिया के उन चुनिंदा बेहद घातक हथियारों में से एक है जिसका लोहा आज भी माना जाता है। कई देशों की सेनाओं की पहली पसंद आज भी AK-47 बनी हुई है। इसको वेपन डिजाइनर के तौर पर करियर शुरू करने वाले मिखाइल क्लाशनकोव ने बनाया था। अब कंपनी अपने सुसाइड ड्रोन को लेकर काफी उत्साहित है। कंपनी ने इसको KUAV नाम दिया है। कंपनी का तो यहाँ तक कहना है कि यह ड्रोन इस क्षेत्र में लड़ाई की तकनीक को बदल कर कर रख देगा। यह न सिर्फ दूसरे ड्रोन विमानों से सस्ता होगा बल्कि यह हैंडल करने में भी बेहद आसान होगा। यूं तो इस मेले में टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और फाइटर जेट तक मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी की निगाह इस ड्रोन पर जाकर ठहर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि AK-47 की ही तरह ही यह दुनिया की पसंद बन जाएगा। आपको बता दें कि सीरिया और अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहयोगियों के लिए अमेरिका ने हाल ही में भारी मात्रा में इन राइफल्स को खरीदा है। यह अमेरिका में बनी असॉल्ट राइफल से अधिक सस्ती है। रूस की हथियार बनाने वाली कंपनी रोस्टेक के चेयरमैन सर्गी शेमजोव के मुताबिक क्लाशनकोव ड्रोन ऑपरेट करने में आसान है और कारगर होने के साथ साथ काफी सस्ता भी है। यह करीब 4 फीट चौड़ा है। यह 80 माइल्स पर आवर की रफ्तार से करीब 30 मिनट तक उड़ सकता है। यह अपने साथ 6 पाउंड एक एक्सप्लोसिव ले जा सकता है। इसके साइज की बात करें तो यह करीब कॉफी टेबल के आकार का है। कंपनी के मुताबिक यह किसी क्रूज मिसाइल की ही तरह है जिसमें टारगेट की जान आकारी फीड कर लॉन्च किया जाता है। इस ड्रोन को 40 मील दूर मौजूद दुश्मन पर टारगेट कर छोड़ा जा सकता है। अमेरिकी प्रोफेसर निकोलस ग्रॉसमन ने भी इस ड्रोन की काफी तारीफ की है। जानकारों की राय में यह ड्रोन एक बेहतर क्रूड होममेड डिवाइस है जिसका आने वाले समय में महत्व खास हो जाएगा। हालांकि इसकी कीमत को लेकर कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। यह उन देशों को देखते हुए बनाया गया है जहां पर छोटी फौज है।